बहू तुम ससुराल में पैसे चोरी करके मायके में देती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सोम्या ने जाकर दरवाजा खोला। देखा तो उसके मम्मी पापा आए हुए थे। सोम्या के चेहरे पर अपने मम्मी पापा को देखते खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत उनके गले लगकर बोली, वाह माँ पापा आप दोनों, वह भी इतनी सुबह, क्या सरप्राइज है। तब सोम्या की माँ सावित्री जी ने कहा, बेटिया हम तो समधी और समधन जी से मिलकर उनको विवाह न्योता देने आए थे। तेरे पापा तो अकेले आ रहे थे लेकिन मैं भी साथ आ गई। सोचा इसी बार ने तुझे से भी मिल लूंगी। सोम्या ने कहा, अरे बैठिए ना माँ पापा, माँ आपने बहुत अच्छा किया जो आप साथ आ गई। मैं अभी मम्मी जी पापा जी को बुला कर लाती हूँ। सोम्या अंदर गई अपने सास ससुर को बुलाने। तो सोम्या के माँ पापा का नाम सुनते उनका मुंह बन गया लेकिन बेमन से वह लोग उनसे मिलने गए। सोम्या अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। देवर की शादी नहीं हुई थी और ननद सीमा की शादी 1 महीने पहले हुई हुई थी। उनके ससुराल भी वही था। सोम्या के पति अक्षत सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे लेकिन किसी का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति ठीक नहीं था। सोम्या के ससुर भुवनेश्वर जी ने उसके पापा को देखते कहा, अरे समधी जी आप बड़ी सुबह सुबह 11 बजे ही आ गए। सोम्या के पापा ने कहा, हाँ समधी जी बेटे की शादी का निमंत्रण देना था आप सबको और बाकी जगह भी जाना है। निमंत्रण देने तो सोचा शुरू आपसे ही करूं। सोम्या की सास सरला जी ने तपाक से व्यंग करते हुए कहा, बेटियों की शादी का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए अच्छा है। आखिर बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तब सोम्या की मां ने कहा, जी समधन जी आपसे बेहतर इन बात को कौन समझ सकता। आखिर आपने भी तो 1 महीने पहले ही बिटिया की शादी की। तभी सोम्या के ससुर जी ने कहा, सुना है वो लोग खानदानी रईस नहीं है, किसान परिवार, सिर्फ बेटा ही काबिल है। संकोची स्वभाव और बेटी का पिता होने के नाते सोम्या के पापा चुप रहे लेकिन सावित्री ने कहा, जी बिल्कुल सही सुना आपने, लड़का IPS ऑफिसर है। संस्कारी एवं व्यवहारिक परिवार दोनों एक दूसरे को पसंद करते, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वरना तो आज का लोग पैसों के घमंड में बेटी के माता पिता को इज्जत सम्मान देना ही भूल जाते हैं। सोम्या के पापा ने सावित्री जी को आंखें दिखाई तो वह चुप हो गई। सोम्या शाही नाश्ता लेकर आई तो उसके मम्मी पापा ने कहा, अरे बेटिया इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बस अब निकलेंगे। अच्छा समझी जी इजाजत दीजिए और हाँ शादी के हर फंक्शन में आएगा जरूर कहकर वो लोग चले गए। दरअसल सोम्या के ससुराल वालों में व्यवहारिकता और नैतिकता के साथ अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस से। सोम्या के ससुराल वाले बहुत अमीर और मायके वाले मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अक्सर भी पूरी तरह से अपनी माँ का ही अंधभक्त था। उसके लिए घर वालों की हर बात सिर माती और सोम्या की हर बात बेकार होती थी। उसी दिन सोम्या की बहन का फोन आया। उसने कहा, हेलो दीदी क्या कर रही हो। अच्छा सुनो ना आप कब फ्री हो बोलो, फिर हम साथ में शॉपिंग के लिए चलेंगे। सोम्या ने कहा, तू बोल तो कब चलना अपनी बहन के लिए, मैं हर वक्त फ्री हूँ। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं लेकिन सोम्या के हिस्से नुकसान ज़्यादा और फायदा कम था।
क्योंकि ससुराल वालों का कहना था कि पास में तो मायका है, जब सब चले जाओ रहने की क्या जरूरत है। अब सोमिया शादी की शॉपिंग के लिए जाने आने लगी। ये बात उसकी सास को बहुत बुरी लग रही थी। वह सीधे तो मना नहीं करती थी, लेकिन बातों बातों में व्यंग्य जरूर कर देती, जिससे सोमिया का मन खट्टा हो जाता। लेकिन घर में झगड़ा ना हो इसलिए वह सुख साफ ही रहती। सोमिया ने अक्सर से भी कहा, अक्सर सोच रही हूँ बस 15 दिन और बसे शादी में तो घर पर चली जाऊँ रहने। तभी अक्सर ने तुरंत कहा, अरे यार तुम यहाँ रहो या वहाँ क्या फर्क पड़ता, कितनी दूर है घर, पूरे घंटे भी नहीं लगते पहुँचने में। शादी वाले दिन चलेंगे साथ में सुबह सुबह ही, वरना तुम चली गई तो घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सोमिया गुस्से का घूंट पीकर रह गई। वो सोचने लगी, 50 साल की उम्र में माँ जी बूढ़ी हो गई, काम नहीं कर सकती, मेरी माँ इन लोगों की नजरों में जवान है। एक दिन सोमिया शादी की शॉपिंग से लौटकर घर आई तो उसने अक्षत भुवने सर्वजी और सरला जी को बात करते सुना। अक्षत ने कहा, माँ सोमिया की बहन की साधु शादी में क्या शगुन देना है। तो भुवने सरजी ने कहा, देना क्या है, 5,000 रुपये, लड़के को एक सोने की सेन और लड़की को एक साड़ी दे देना। तभी सरला जी ने कहा, अरे सोना देने की क्या जरूरत है, सिर्फ 1,100 रुपये और एक साड़ी दे देंगे, बस उनकी जितनी औकात है उतना शगुन बहुत है। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए भुवनेश्वर जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक करी, इतना बहुत है। अक्षर ने कहा, फिर ठीक है माँ, इतना शगुन ठीक रहेगा। और हाँ बेटा, जरा सोमिया को समझा देना कि शादी उसके मायके में है तो उन लोगों को शॉपिंग करने दे, खुद ना शॉपिंग का हिस्सा बने। सरला जी ने कहा, तो कमरे से बाहर निकलते अक्षत ने कहा, ठीक है माँ, मैं आज ही उसे मना कर दूंगा। अक्षत जैसे ही इतना बोलकर कमरे से बाहर निकला, उसकी नजरें सामने खड़ी सोमिया से टकरा गई। गुस्से में अक्षत को देखती सोमिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात अक्षत को भी मजबूर है, जो अभी ठीक 1 महीने पहले अपनी बहन की शादी में खुशी से भूले नहीं समा रहे थे। सोमिया के मना करने पर भी उसके मायके से मिले सोने के इयररिंग उसे अपनी नंद को देने हुए, क्योंकि उसको वह पसंद गए थे। तो अक्षत के बार बार कहने पर कि सोमिया दे दो, क्या तुम्हारी बहन ये इयररिंग मांगती तो भी तुम मना कर देती। लाखों रुपये अक्षत ने अपनी बहन की शादी में खर्च किए बिना सोमिया से या किसी से पूछे। अक्षत ने अपनी बहन को अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे रखा था कि जब जो मन करे तुम सीधा जाकर ले लेना, पूछने की कोई जरूरत नहीं। और आज जब बात सोमिया के बहन की आई तो अक्षत के चेहरे से समक ही गायब थी। कोई खुशी या कोई उत्साह उसके चेहरे पर नहीं था, जो सोमिया को पहले ही नहीं दुखी मन दुखी कर रहा था। तभी अक्षत ने कहा, अरे सोमिया तुम कब आई, बस अभी अभी जब तुम माँ जी से शगुन देने की बात कर रहे थे। सोमिया ने तो कहा तो अक्षत के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, हाँ माँ, पापा से तुम्हारी बहन की शादी में कितना शगुन जाएगा, उसी के लेन देन की बात कर रहा था। अच्छा तो क्या सोचा तुमने, सोचना क्या, जो माँ ने कहा वही दे दूंगा। सोमिया ने कहा, मतलब 1,100 रुपये और एक साड़ी, हाँ तो क्या घर उठा कर दे दे, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कोई इक्वायरी करनी है, तुम्हें इतना शगुन कम थोड़ा ना है लड़की वालों के लिए, और तुमने तो दिए ही होंगे। सॉरी सॉरी, पैसे हमसे छुपा कर क्या हम नहीं समझते, जो तुम रोज शॉपिंग के लिए जाती हो उसके पैसे कहाँ से आते हैं, गुस्से में सरला जी ने कहा। माँ जी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। अक्षत ने गुस्से में कहा, सोमिया तुम हद पार कर रही हो, ऐसे बात करता है क्या कोई बड़ों से, तुम मेरी बहन की
बराबरी अपनी बहन से कर रही हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है जो अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है, तो क्या कर सकती हो? तुम तो खुद की जरूरत पूरी नहीं कर सकती बिना मेरे पैसों के, इतना ही घमंड है तो जाओ खुद पूरा करो अपनी बहन की डिमांड, और जो मन करे जैसे मन करे खर्च करो, हमसे कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। सबकी बातें सुनकर तो आज सोमिया भी सुबह नहीं रह पाई। ठीक है, अब मैं जो करूंगी उसकी जिम्मेदार तुम रहोगे, और अब मैं अपनी बहन की शादी में पैसे भी खर्च करूंगी और डिमांड भी पूरी करूंगी, बस तुम देखते जाओ। वह तुरंत अपने कमरे में गई और वहां अपने सामान का बैग पैक करके नीचे आई। उसने कहा, माँ जी मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी बहन की शादी में शामिल होने, लेकिन उससे पहले आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी। क्या लड़के वालों को सिर्फ लेना आता? मेरे पापा ने अभी इस घर की लड़की की शादी में चांदी के बर्तन, सोफा सेट, दुल्हन और दूल्हे के लिए सोने की चेन और अंगूठी के साथ कपड़ा और 50,000 रुपये दिए, तो भी आपके हिसाब से वो ने कुछ नहीं दिया। तब आपने कहा था कि क्या कंजूसी दिखाई? मेरे पापा ने समाज में आपकी नाक कटवा दी। जब उनकी बेटी की शादी होगी तब आप इतना ही उन्हें रिटर्न में दे देगी, अधिक ना सही उतना ही सोच लिया होता। और अक्सर मैं माँ पापा से क्या शिकायत करूँ या किस बात की उम्मीद रखूँ जब मेरा पति ही मेरा नहीं है? क्या मैं जान सकती हूँ कि दो बहनों के सगुन में इतना फर्क क्यों? अगर ये फर्क मैंने किया होता तो क्या तुम्हें मंजूर होता? तुमने अपने बहन की शादी को जैसे सारा इजवाई किया, जितना मन किया उतना खर्च किया, यहाँ तक कि मेरे सोने के झुमके भी दिला दिए। क्या मैं अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी जैसा व्यवहार करती तो तुम्हें मंजूर होता? और माँ जी मुझे अपनी बहन को खुश देने के लिए सॉरी सब के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी और असल मुद्दे पर आती हूँ। मैं अपने साथ अपने गहने ले जा रही हूँ। मैंने आपसे या अक्सर से अब तक 1 रुपया भी अपनी बहन की शादी के लिए नहीं लिया, लेकिन फिर भी मुझे झूठा और सोर साबित कर दिया गया। इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं इन गहनों को गिरवी रखकर अपनी बहन को सब कुछ दूंगी। और ये रहा आपका मांग टीका जो आपने सिर्फ मेरी शादी में बनवाए थे। बहुत तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, भूलो मत कि वह गहने भी हमारे कहने पर तुम्हारे पिताजी ने बनवाए थे। उन पर तुम्हारा नहीं हमारा हक बनता है, भुवनेश्वर जी ने गुस्से में कहा। भुवनेश्वर जी ने फिर गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, आपसे कितनी बार का सोमिया से गहने लेकिन अपने पास रख लो, मुझे पहले से बता था। ये लड़की बहुत तेज है, देख लो वही हुआ जिसको मुझे डर था। तो सोमिया मुस्कुराने लगी। उसने कहा, सर ये कुछ तो माना आप लोगों ने कि मेरे पापा ने दिया है, खैर पापा जी इन पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। पहली बात तो ये गहने मेरे सिवाय किसी के नहीं, इसलिए मुझे उसके साथ क्या करना है ये मैं खुद तय करूंगी। दूसरी बात, अगर इन गहनों को आपने भी बनवाए होते तभी ये मेरे ही होते, क्योंकि गहने स्त्री धन होते हैं जिस पर सिर्फ औरत का अधिकार होता है। मैं जा रही हूँ इन्हें गिरवी रखने क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं, और जिन्हें भी ये गहने चाहिए वह जाकर सुड़ा कर लाए गहने। मैं तो सली अपनी बहन की शादी इजवाई करने। तब सरला जी और भुवनेश्वर जी ने कहा, फिर हमारे घर आने को कोई जरूरत नहीं पड़ी, रहना वही अपने माँ बाप के घर और करती रहना शादी और अपनी पूरी जिंदगी को इजवाय। तब सोमिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आप लोगों को शायद पता नहीं, अक्सर से शादी के बाद कानून ये घर मेरा ही उतना है जीतना आप लोगों का, इसलिए मुझे इस घर में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊंगी और जाऊंगी, कहकर सोमिया
वहां से अपना बैग लेकर चली गई। सोम्या को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई उसके ससुराल से उसके घर आएगा शादी में शामिल होने। लेकिन बारात के आने से पहले उसने देखा अक्षत के साथ उसके सास ससुर भी आए थे। विवाह सकुशल सफल होने के बाद अक्षत सोम्या और उसके सास ससुर घर लौट कर आ गए। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अक्षत ने कहा, सोम्या गहने का गिरवी रखे बता तो मैं उन्हें वापिस लेकर आता हूँ। सनिया सोम्या की ननन को जब ये बात पता चली तब वह बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा, भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे ये समझ नहीं आता जब ससुराल वालों को बहू को अधिकार और सम्मान नहीं देना होती तो वह बहू लाते क्यों हैं और फिर हमें इसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताया कि उसके ससुराल वालों को एक भी सम्मान पसंद नहीं आया। बोले कंजूस लोगों से शब्द बना लिया। सरला जी ने कहा, तब सोम्या को अचानक आए उन लोगों में इस बदलाव का कारण पता चला। सोम्या ने पर्स से गहने निकाल कर दिखाते हुए, ये रहे गहने, मैंने गहने के भी नहीं रहे थे। मैं तो आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वह अपना सारा अधिकार ले सकती हैं, जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती हैं और उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। अक्सर तुम भूल रही हो लेकिन तुमसे शादी के पहले मैं नौकरी करती थी। मैंने अपने उन्हीं पैसों को अपनी बहन की शादी में खर्च किया जिन पैसों को मेरे पिता ने हाथ भी नहीं लगाया था और जिसके बारे में तुम आज तक जानना चाहते थे। और मैं हर बार उस बात को टाल जाती थी क्योंकि वो पैसे मैंने अपनी बहन की शादी में खर्च करने के लिए रखे थे। सरती हूँ लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम भी वैसे ही सारे कर्तव्य निभाओगे जैसे मैं तुम्हारे और अपने परिवार के लिए एक सम्मान निभाती हूँ। अब तुम मेरी और अपनी दोनों बहनों में कभी कोई फर्क है भेदभाव नहीं करोगे। और हाँ, मैंने जो गलती की थी तुम्हारी बात मानकर नौकरी ना करने की उसे भी सुधार लिया। मैंने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई कि खुद आत्मनिर्भर रहना कितना जरूरी है। हर घर में बहू के मायके वालों के साथ ये व्यवहार किया जाता है कि जो कि